नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश चोपड़ा, डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर एंड एमएलएम ट्रेनर। अगर आप बनना चाहते हो सफलता के बढ़िया सेलर, तो आपको बनना पड़ेगा बढ़िया स्टोरी टेलर। आज दोस्तों जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जब आप अपनी टीम का डिसीजन बनाते हो, जहां मान लो किसी के साथ काउंसलिंग कर रहे हो और उसका जो डिसीजन है उसको और मजबूत करना है, या फिर उसके दिमाग में हमने ये फिट करना है कि अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो चाहे जो मर्जी चैलेंज आते हैं कभी भी घबराना नहीं उस चैलेंज से, और जो अपना फैसला लिया आपने उसको हिट करके दिखाना है, जो गोल आपने डिसाइड किया इस महीने का उसको पूरा करके दिखाना है। चैलेंज आएगी बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर एक बार पक्का इरादा कर लिया, पक्का डिसीजन ले लिया, तो दोस्तों फिर फैसले से पीछे नहीं हटना, उसको फतेह करके दिखाना है। जो आपने इस महीने का गोल रखा है उसको फतेह करके दिखाना है। या फिर जब क्लोजिंग आती है तो आपने रिव्यू कर रहे हो सारी स्ट्रेटजी, सारी लोगों का बिजनेस वॉल्यूम आप रिव्यू कर रहे हो, कुछ मान लो वॉल्यूम शॉर्ट है या किसी का टारगेट शॉर्ट है, अब आपने उसको मेंटली बिल्डअप करना है, ये तो आपने करना ही करना है, मतलब उसका जो पोटेंशियल है, जो हिडन पोटेंशियल है, उसको बाहर निकाल के उसको ये विश्वास दिलाना है कि अगर आप सच में चाहते हो इसको पूरा करना तो आप कर सकते हो। ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये ऐसी सिचुएशन के अंदर आप फिट कर सकते हो। तो एक बार दोस्तों क्या हुआ, एक अकबर था और एक था पोरस, दोनों बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन अकबर का इतिहास गवाह था, आज तक उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी वो हर लड़ाई में जीत के आता था दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई आ गई उसकी पोरस के साथ, तो उसने लड़ने के लिए जाना था, तो एक विद्वान था, ज्योतिषी था उसके राज्य के अंदर, तो उसने सोचा क्यों ना सब पूछा जाए। तो वो दोस्तों उसके पास जाता विद्वान के पास, तो बोलता विद्वान जी बहुत लड़ाइयां मैंने जीती हैं आज तक, लेकिन जो ये लड़ाई है ये मेरी है पुरुष के साथ, तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो दोस्तों जो विद्वान जी थे वो देखते सारा सिस्टम इसका, तो वो उसको बोलते हैं राजा माफी चाहता हूं लेकिन आप ये जंग हार जाओगे। जैसे दोस्तों सिकंदर को पता चलता है कि ज्योतिषी ने बोला हार जाओगे, तो सिकंदर को बहुत भयंकर गुस्सा आता दोस्तों, तो वो क्या करता है उस विद्वान को जेल में डाल देते हैं। अब जैसे ही लड़ाई का दिन आता है तो होता क्या है, तैयार होते हैं सिकंदर जी, विद्वान को मिलने चले जाते हैं, तो बोलते हैं विद्वान जंग लड़ने जा रहा हूं और जीत के आऊंगा और तुझे फांसी दूंगा। तो विद्वान बोलता हे महाराज एक बेनती है मेरी, जाने से पहले अपने हाथों के ब्लूप्रिंट मुझे दे दो। तो वो क्या करता दोस्तों, एक पेपर लेकर प्लेन, तो जो सिकंदर राजा था उसके हाथों का जो ब्लूप्रिंट था वो छापा वो ले लेता पेपर के ऊपर। तो जंग लड़ने चले जाते सिकंदर जी, लड़ाई बहुत भयंकर चलती है, बहुत लॉस होता है सिकंदर का, लेकिन अल्टीमेटली वो जंग जीत जाता सिकंदर। अब जैसे ही सिकंदर वापस आता है तो बोलता है सबसे पहले विद्वान को लेकर आओ। लो जी विद्वान को लेके आते हैं, तो बोलते हैं विद्वान अब तुझे फांसी देंगे क्योंकि जंग तो मैं जीत गया और तूने बोला था मैं हारूंगा। तो बोलता महाराज एक फिर विनती है, अपने हाथों का फिर एक ब्लूप्रिंट मुझे दे दो। तो वो फिर क्या करता है दोस्तों, वो फिर राजा के हाथों का ब्लूप्रिंट ले लेता है और दोनों चेक करता है, इधर वाला भी और इधर वाला भी, दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो बोलता है ये देखो महाराज दोनों ही ब्लूप्रिंट अलग अलग हैं, जब आपने जंग पे लड़ने जाना था तब आपकी जो हाथों की लाइनें थी, जो रेखाएं थी, उनके अनुसार आपने जंग हार जानी थी, लेकिन आपके डिसीजन के अंदर इतनी ताकत थी, आपके फैसले के इतनी अंदर ताकत थी कि आपके फैसले ने, आपके डिसीजन ने आपकी हाथों की रेखाओं को ही बदल दिया। तो दोस्तों ये थी स्टोरी जो कि आप डिसीजन मेकिंग की कमिटमेंट बढ़ाने के लिए अपनी टीम के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, जो आप अपनी टीम का डिसीजन है उसको और ठोस करने के लिए और मजबूत करने के लिए सुना सकते हो अपने लोगों को। अब अगर और अगली स्टोरी सुनना चाहते हो तो क्या करना है,
मेरा चैनल है मुनीश चोपड़ा, वहां पर जाइए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो दोस्तों, और रेडी रहिए बहुत जल्दी अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।